नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। हसनपुरा नगर पंचायती चुनाव की जो सरगर्मी है बहुत तेज है। आने वाले 18 दिसंबर को मतदान होना है। पिछले 6 अक्टूबर को मतदान होना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर 4 अक्टूबर को चुनाव को निरस्त कर दिया था, रद्द कर दिया था। उसके बाद फिर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के तहत फैसले के तहत 18 दिसंबर को चुनाव का तारीख घोषणा हुआ। तब से सभी प्रत्याशी बीच मैदान में है लेकिन 18 दिसंबर को मतदान होना है। और आज हम हसनपुरा नगर पंचायत के करमासी में है और हमारे साथ मौजूद है नाजमी खातून, ब्रदर अब छोटे इकबाल, जो कि मुखिया भी रह चुके हैं, पूर्व मुखिया हैं, समाज सेवी हैं और एक स्वच्छ, ईमानदार और बहुत बेहतरीन प्रत्याशी हैं हसनपुरा नगर पंचायत के। ये हमारे साथ मौजूद है। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। हम इनसे बातचीत करेंगे कि रुझान क्या है, सपोर्टरों का रुझान क्या है, जो मतदाता है समर्थक, आप देख सकते हैं इनके अंबार है समर्थकों का इस वक्त, और काफ़ी वोटर इनके साथ मौजूद है यहाँ पर करमासी में। हम इनसे सबसे पहले बातचीत करेंगे, फिर मतदाताओं से बात करेंगे, इनके सपोर्टरों से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं सभी जनदेवासियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, मुखिया पति छोटे अकबाल, और मैं चेयरमैन से चुनाव लड़ रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि मैं जो आज चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता ने हमको इतनी चाह रही है कि इतनी हमको खुशी है कि मैं इस बात को कह नहीं सकता हूँ। और रह गई विकास की बात, तो किसी पंचायत में 20 साल 10 साल और मात्र हमारे पंचायत में 5 साल, जिसमें दो साल लॉकडाउन था, 3 साल में जो हमने काम किया है, ये सारी हमारी जनता को काम दिखाई दे रही है कि कितना काम हुआ है और नहीं हुआ है। और बाकी कोई पंचायत में काम देख ले, और हमने ईमानदारी से काम किया है, हर गरीब को हर दुखिया को हमने साथ में मिला के कंधे में कंधे हमने चला है। और जो हमारे साथ जितने समर्थक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ कोई किराए पर कोई भाड़े पर नहीं है, हमारे साथ अपने खा के अपने सब कुछ अपने पास से, चाय पानी नाश्ता करके भी सब लोग अपने साथ हमारे जी जान से हमारे मेहनत करके हमारे साथ घूम रहे हैं। हमारे साथ हर जाति हर समुदाय के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ नहीं है कि भाड़ा के आदमी ला के घुमाऊँ और तो हमको संख्या नहीं दिखाना है कि हमारे साथ इतना लोग है। हमारे साथ 10 आदमी है, 5 आदमी है, 100 आदमी है, वो सब लोग हमारे चाहने वाले हैं और सब लोग हमारे ये पक्के आदमी है। 18 दिसंबर को मतदान होना है, मतदाताओं का रुझान क्या है आपके प्रति? हमारा जो रुझान है, जनता का बहुत अच्छा से मिजाज बना हुआ है। जनता ये चाह रही है यह हसनपुरा नगर पंचायत में कि कोई चेयरमैन प्रत्याशी शरीफ आदमी आए, ईमानदार आए और साफ छवि के चेयरमैन प्रत्याशी आए। बने रहिए, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम प्रभुनाथ सर, हाँ जी। सुनिए, छोटे इकबाल नाजमी खातून के ब्रदर है, मुखिया भी रह चुके हैं, समाज सेवी हैं, आप क्यों इनको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे इनका काम धाम बहुत अच्छा देखे है, इसीलिए हम लोग अपना कोई भाड़ा का आदमी नहीं है इसमें, हम लोग खुद अपना खाकर पीकर और इनका साथ दे रहे हैं। हर हालत में जिताना है, किसी भी हालत में। स्वच्छ छवि को लेकर, स्वच्छ छवि लेकर प्रभुनाथ शर्मा मलाहडी का रहने वाले, मलाहडी का रहने वाले हैं। अच्छा, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे आप एक बहुत प्रत्याशी बीच मैदान में है लेकिन छोटे इकबाल को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो भी काम हुआ है आज तक पंचायत में 5 साल में, माने छोटे इकबाल इतना काम कर दिया है, 3 प्रत्याशी हुआ, ठीक है, आज तक कोई काली माई का रोड नहीं बनाया, ठीक है, यही मुखिया है कि सब किसी को मिला जुला कर रोड निकाल दिया, ठीक है। और ये जाति पाति नहीं देखते है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुर्सी वहाँ मिलता है, इज्जत से काम होता है। जितना लाइन लगा है पॉइंट के पैसा तो के मुखिया नहीं लिया है, ठीक है, बहुत काम करा है, अच्छे से करा है, कोई जाति पाति के यहाँ भेदभाव नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सच्चा राम नाम। कहाँ से हैं आप? हाँ, करमासी से। करमासी से हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं इनको? एकदम सपोर्ट है। आपको क्या लगता है अगर छोटे इकबाल जीतते हैं तो किस प्रकार हसनपुरा नगर पंचायत की तस्वीर बदलेगी? अभी तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ, लेकिन पहले तो छोटे इकबाल जितना काम कर चुके हैं हसनपुरा पंचायत में आप देख सकते हैं, जाकर कोई भी देख सकता है। अब फिर अगर हम लोग जीतने वाले हैं या जीतेंगे, अगर छोटे इकबाल फिर जीत गए तब पूरा करमासी हुआ, जलालपुर हुआ, तरीला हुआ, सारे पंचायत का उसरी हुआ, हम लोग काम करके दिखा देंगे। विकास हमारा काम है और यही हम लोग का करना है, दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए कुछ भी हो जाए लेकिन छोटे इकबाल को हम लोग जिताना है। तस्वीर बदल जाएगी, तस्वीर छवि बदल लेंगे। मेरा नाम मनोज कुमार सोनी। कहाँ से हैं आप? हम हसनपुरा बड़े मोहल्ले से हैं। हसनपुरा से आप क्यों? कुछ युवा भी मौजूद हैं इधर, आप छोटे इकबाल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं?
इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले तो उनका विकास देखिए, जो 10 साल पहले पीछे जाकर देखिए, कोई विकास नहीं हुआ। दो मुखिया बने उसमें कोई विकास नहीं किया। ये छोटे इकबाल जो थे, जो मुखिया पहले तो BDC में जीते, उसके बाद मुखिया में जीते, इनका विकास देख लीजिए, जिसमें 5 साल में 2 साल लॉकडाउन था, उसके बाद 3 साल में इतना विकास हुआ है। कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, एकताई है। इनको लोग लाइक करता है। और लोग एक और विनती करेंगे हम लोग से कि बेरूपी लोग के चक्कर में ना पड़े, और कोई भड़काए तो नत भड़के। और उसके बाद लोग चिन्ह गया है, पहचान गया है लोग को, कि लोग पैसा दे कर दारू पिला कर वोट दे रहा है लोग। ऐसा आदमी को नहीं चुनना है, ऐसा आदमी को चुनना है कि विकास हो। क्या नाम है आपका? बबलू अली। क्या कहना चाहेंगे? छोटे इकबाल बीच मैदान में है, नाज़मी खातून उनकी सिस्टर हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्या छवि है उनका? अगर वो जीतते हैं तो क्या अपने उम्मीदों पे खरा उतर पाएंगे? उनका छवि बहुत अच्छा है। आज हसनपुरा में जितना विकास हुआ है, विकास के साथ हम हैं। उनका काम देख कर पूरे गाँव में विकास होगा, यही कहना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ? मन्नू कुमार, हसनपुरा। आइए चलिए, आपको क्या लगता है छोटे इकबाल को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और भी प्रत्याशी भी छोटे इकबाल बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत काम किए हैं मुखिया में। हम लोग उनको चेयरमैन बना रहे हैं। अच्छा। उनको बना देंगे। बना देंगे। हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। पढ़ ले लिए हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहबुद्दीन करमासी। करमासी, आइए एक बार फिर हम छोटे इकबाल जी से बातचीत करते हैं। काफी सपोर्टर यहाँ पर, मतलब मतदाता की तरफ से इनको सपोर्ट मिल रही है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आने वाले 18 दिसंबर को जो मतदान है, उसके लिए अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी जनता से अपील करूँगा कि जो सिस्टम जो पंचायत में चल रहा है दारू पैसा का, तो इसीलिए हमारी पंचायत में विकास नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। लेकिन हमारे हसनपुरा पंचायत में जब हम BDC मुखिया हुए, लोगों ने हमको निस्वार्थ वोट दिया, और उसी निस्वार्थ पर हमने खर्रा उतर के अपने आप को पूरा हमने जान के ताकत लगा दिया। रात दिन हमने देखा नहीं, हम तो रात रात में काम कराते थे। काम के लिए तो हम पागल हैं, ये सारा अफसर भी जानते हैं। हमको सिखाने की जरूरत नहीं। मैं इतना भींग गया हूँ कि काम के बारे में कोई पूछना नहीं है। तो मैं जनता से यही अपील करूँगा कि जिस वोट दें, निस्वार्थ वोट दें, दारू पैसा ना पिए, और दारू पैसा पीने के बाद से कोई काम करने वाला नहीं है, फिर ऐसे ठेंगा दिखा देंगे, बाद में कुछ फायदा नहीं होगा। अब जब निस्वार्थ वोट देंगे तो सबका विकास होगा। बहुत बढ़िया। तो ये थे नाज़मी खातून ब्रदर्स छोटे इकबाल, जो कि पूर्व में मुखिया हैं और ये चुनावी मैदान में हैं। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है, छोटे इकबाल अगर जीतते हैं तो जो ये वादा कर रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे? जी, खरे उतरेंगे, बहुत अच्छे से खरे उतरेंगे। बहुत अच्छे वोट से हम लोग जीत रहे हैं। बहुत से आदमी पैसा दारू पी पी के ऐसे आदमी उनके तरफ हैं, लेकिन हम लोग की तरफ, हम लोग खुद अपने गाड़ी में खुद अपने पैसे से तेल डाल के इनके साथ हम लोग खड़े हैं। अपने पैसे सुबह नाश्ता करते हैं, लंच भी करते हैं, फिर भी इनके साथ हम लोग हैं। पूरे हसनपुरा, अरंडा, उसरी, सभी लोग। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। तो ये थे नाज़मी खातून के ब्रदर छोटे इकबाल, समाज सेवी हैं। और मैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस के तरफ से आने वाले 18 दिसंबर को मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और स्वच्छ, ईमानदार, मेहनती, विकासशील पुरुष उम्मीदवार को जिताएं हसनपुरा नगर पंचायत के विकास के लिए। जय हिंद।